ओके गाइस, सब्सक्राइब करने से काम नहीं चलेगा, साइड में जो बेल आइकन है उसे भी दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो हमारी आपको नोटिफिकेशन के थ्रू आपके मोबाइल पे मिल जाए। हे गाइस, वेलकम बैक। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप पावर डायरेक्टर से अपनी वीडियो को मोबाइल फ्रेम में कैसे ऐड कर सकते हैं। आपके पास अगर काइन मास्टर है तो काइन मास्टर से तो आप अपने वीडियो में मोबाइल फ्रेम ऐड कर सकते हैं, लेकिन कई लोगों के मोबाइल में काइन मास्टर में जो है वो मीडिया ब्राउज़र जो है वो वीडियो लेयर जो है वो शो नहीं करता, तो इस वजह से वो मोबाइल फ्रेम वीडियो में ऐड नहीं कर सकते। तो पावर डायरेक्टर से आप कैसे ऐड कर सकते हैं मोबाइल फ्रेम में अपनी वीडियो, तो वो मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। Cause things change, but the memories don't. You only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. वेलकम बैक गाइज। आपको जो है अपना पावर डायरेक्टर ओपन करना है, और ओपन करने के बाद न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपके पास दो ऑप्शन आ जाएंगे। पहला जो है प्रोजेक्ट नेम है, और दूसरा है प्रोजेक्ट का रेशो। तो प्रोजेक्ट नेम में मैं SK टाइप कर देता हूँ, और प्रोजेक्ट रेशो जो है वो 60.9 पे मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे कलर बोर्ड दिख रहा है, इस पर क्लिक करके आपको एक बैकग्राउंड लेना है। मैं ब्लैक कलर का ले लेता हूँ बैकग्राउंड, और उसके बाद आपको जो आपने वीडियो बनाई है लेयर पे क्लिक करके जो दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करना है, और आपने जो वीडियो रिकॉर्ड की है या स्क्रीन रिकॉर्डिंग से जो स्क्रीन रिकॉर्ड की है उसको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो आप जो भी वीडियो लेना चाहें यहाँ पे ले सकते हैं, जैसे कि मैं ये वाली वीडियो सिलेक्ट कर लेता हूँ लेयर पे जाके। तो उसके बाद मैं वापस बैक आ जाता हूँ, और जो है मैं फिर से लेयर पे क्लिक करता हूँ, और जो मेरा मोबाइल फ्रेम जो है जो मैंने गूगल से डाउनलोड किया था उस फ्रेम को मैं सिलेक्ट करूँगा लेयर पे जाके। तो यहाँ से मैं एक फ्रेम ले लेता हूँ, मैं ये आईफोन वाला फ्रेम जो है वो ले लेता हूँ। और लेने के बाद यहाँ पे मैं फिर से बैक आ जाता हूँ, और बैक आने के बाद मेरे को करना है कि यहाँ पे बैकग्राउंड जो मैंने ब्लैक कलर कर लिया था इसको मैं लंबा कर देता हूँ, ताकि हमारी वीडियो जो है वो अच्छे से प्ले हो सके। और दूसरे पे मैं क्या करता हूँ, मोबाइल फ्रेम वाले लेयर पे क्लिक करता हूँ नीचे से, और ऊपर से थोड़ा इसको लंबा कर देता हूँ, ताकि मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, बाकी आपको उतना लंबा करना है जितनी लंबी आपकी वीडियो है। तो यहाँ पे मैं मोबाइल फ्रेम वाले पे क्लिक कर रहा हूँ, और फ्रेम को जो है थोड़ा लंबा कर रहा हूँ। तो फ्रेम को मैंने यहाँ से बड़ा कर दिया, और बड़ा करने के बाद अब मैं वापस नीचे टाइमलाइन में जाऊंगा, और वीडियो लेयर पे क्लिक करके अपनी वीडियो को भी यहाँ पे लंबा कर लूँगा जितने बड़ी मेरी मोबाइल की स्क्रीन है। तो इतने पे सिलेक्ट करने के बाद जो अब जो मैं यहाँ पे वीडियो प्ले करता हूँ, तो वो जो वीडियो प्ले होगी वो एक मोबाइल फ्रेम में प्ले होगी। मैं ज़रा इसका वॉल्यूम डाउन कर देता हूँ, सॉरी। तो इस तरीके से अब जब मैं वीडियो प्ले करूँगा तो ये जो है हमारी वीडियो मोबाइल फ्रेम में प्ले होगी। तो देखिए ये मैं प्ले कर देता, तो देखिए इस तरह से आपकी जो वीडियो है वो मोबाइल फ्रेम में प्ले होगी। तो थैंक यू गाइज, बाय, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। आप इस तरह की और भी वीडियो जानने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और थैंक यू गाइज, बाय, शेयर जरूर करिए, और लाइक कमेंट करना ना भूलें। तो थैंक यू गाइज, बाय, प्लीज़ सब्सक्राइब।